अयोध्या में एलपीजी गैस टैंकर में लगी आग, पुलिस फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। करीब डेढ़ घंटे NH-27 पर यातायात रहा बाधित। रुधौली के रोजा गांव ओवर ब्रिज के ऊपर हुआ हादसा। रायबरेली में नशे में धुत सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के नशे में सिपाही ने घंटों काटा हंगामा। सदर कोतवाली में तैनात है नशेड़ी सिपाही संतोष शुक्ला। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज, माल्यार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान दौरा आज, राजस्थान के निवाई टोंक जाएंगी प्रियंका गांधी, राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज का दौरा आज, सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल जाएंगे डिप्टी सीएम। आगरा में नाबालिग लड़की से खेत में युवक ने किया दुष्कर्म, घर के बाहर से बहरा कर लड़की को ले गया युवक। खेत में गांव के ही युवक ने की दुष्कर्म की वारदात, परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में लगातार हो रही बारिश से बड़ा हादसा, पेड़ गिरी, बिजली का पोल दो बाइकों पर गिरा, एक युवक की मौके पर मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल। युवाओं के बीच लोकप्रिय यूके पीएम ऋषि सुनक पहुंचे राजघाट, पीएम मोदी ने किया वेलकम। पत्नी अक्षता मूर्ति संग अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक, यूके पीएम को मिला खास गिफ्ट। एमपी चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, गैर उज्ज्वला योजना वालों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा, 12वीं कक्षा में 7% अंक लाने पर भी लैपटॉप।